नमस्कार प्रणाम, हम हैं आपकी प्यारी भाभी कोमल झा। हम आ रहे हैं आपके गांव ये जाने खातिर कि आप सभी के नुनुखिया कितने किए हैं काम और कितने किए हैं आराम। बोलेंगे आप, खोलेंगे हम, राजी नहीं जी पोल। इस सब जानने के खातिर जुड़े रहिए नेशन भारत से, जो है भारत की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू यादव के परिवार को अब 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, हम ये खबर आपको इसलिए बता रहे हैं कि लालू यादव की रांची हाई कोर्ट ने जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी है और अब अगली सुनवाई 2 महीने के बाद होगी। आपको बता दें कि लालू यादव बीमार है और उन्होंने अपनी बीमारी और सजा का आधा समय काट लेने के उद्देश्य से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और अब उन्हें 2 महीने और इंतजार अगली तारीख के लिए करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को फिर नहीं मिली राहत, जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। अभी अभी राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता जो है लालू यादव, उनकी जमानत आपको जैसा मैंने बताया खारिज हो गई है। हाईकोर्ट जो है, रांची हाईकोर्ट जो है, सीबीआई के दलीलों से खुश दिखा और कहा कि सीबीआई ने सटीक दलीलें दी हैं और हम अब इस मामले में जो है बेल नहीं दे सकते। बेल की अगली तारीख जो है हाईकोर्ट ने 2 महीने बाद रखी है। और इसके साथ ही राजद परिवार और उनके लालू यादव की पत्नी, दोनों बेटे बेटियों को सबको गहरा सदमा लगा है कि आज उम्मीद थी कि कम से कम उनके स्वास्थ्य ग्राउंड पर लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। अब देखना है कि अगले 2 महीने के बाद क्या हाईकोर्ट लालू के वकीलों के द्वारा दिए गए सबूतों से जो है वो सहमत होता है तो उन्हें जमानत देता है या नहीं, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए नेशन भारत के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नेशन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।